हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी ज़रूरत आपको रोज़ पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए जो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं, आंधी आए, तूफान आए, कोई आगे से गाड़ी आए, चाहे ट्रेन ऊपर से निकल जाए, लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, फ़ोन में लगे हैं तो लगे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लोगों के लिए ये एप्लीकेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उन्हें कोई इस तरीके की एप्लीकेशन दें जो कि उनके हमेशा काम आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं उन्हीं लोगों में से एक, तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सो गाइस, जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले थे वो एप्लीकेशन है कैम कब। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा एप्लीकेशन है, बहुत छोटा एप्लीकेशन है। इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले से इसे इंस्टॉल किए हुए हूँ। तो यहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें केवल आपको करना क्या होगा, इनेबल पर क्लिक करना होगा और आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फ़ोन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो कुछ भी करिए अपने फ़ोन में और आपका जो कैमरा है वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को बना सकते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। फिर इसके बाद आप चाहें तो कुछ भी अपने फ़ोन में यूज़ करिए और आपको आगे का दिखता रहेगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने फ़ोन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने फ़ोन को स्मार्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।